नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। मनीष तिवारी ने पूछा, क्या 2014 में कांग्रेस के हार के लिए यूपीए जिम्मेदार? नौसेना में घोटाला, सीबीआई ने 4 राज्यों के 30 ठिकानों पर की छापेमारी। यूपी में बनेगी भगवान राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा, बनेगा विश्व रिकॉर्ड। नई शिक्षा नीति का समर्थन कर थरूर बोले, कई लक्ष्य सच्चाई से परे। सोनू सूद ने बर्थडे पर शेयर की 23 साल पुरानी तस्वीर। राजस्थान के फेयर माउंट होटल में ठहरे विधायकों को चेकआउट के लिए तैयार रहने के निर्देश। दिल्ली में कोविड-19 के 10 लाख से ज्यादा टेस्टिंग, कुल संक्रमितों की संख्या 1,34,403। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16 लाख के पार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं देरी करना नहीं चाहता, मैं चुनाव कराना चाहता हूँ। यूपी में विकास दुबे के साथी जय वाजपेयी और उसके 3 भाइयों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई। अनलॉक 2 का आज आखिरी दिन, कल से अनलॉक 3 की होगी शुरुआत। सुशांत के सीए का खुलासा, रिया के खातों में नहीं हुआ रकम का ट्रांसफर। सिद्धार्थ मल्होत्रा को याद आए कॉलेज के दिन, कहा नहीं भूल सकता वो दिन। इकबाल खान ने कहा कि सोशल मीडिया पर बकवास करने वालों पर थप्पड़ पड़ना चाहिए। गांगुली के बचपन के कोच का निधन, 86 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पीसीबी पर भड़के कनेरिया बोले, अकमल का बैन आधा किया, मेरे लिए हमदर्दी क्यों नहीं। कोरोना से मौतों के मामलों में 5वें नंबर पर भारत, भारत में अब तक 35,000 से ज्यादा की गई जान। तमिलनाडु में कोरोना से ठीक हुए मंत्री, कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर किया स्वागत। मुंबई में 1% से भी कम हुई कोरोना संक्रमण, 75 दिन में दोगुना हो रहे मरीज। ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाई जाए, संसदीय समिति ने की सिफारिश। राहुल ने कोविड-19 संकट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को लेकर मोहम्मद यूनुस से चर्चा की। प्रियंका गांधी ने खाली किया लोधी एस्टेट का सरकारी बंगला। दिशा पाटनी के पुलिस अफसर पिता के क्लोन फेसबुक आईडी बनाकर भेजे मैसेज, साइबर सेल में की शिकायत। डेव कैमरन ने दी सलाह, फुटबॉल की तरह ही हो T20 लीग का आयोजन। अकमल का बैन घटा तो दानिश कनेरिया भड़के, सुनाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खड़ी खड़ी।